जी हाँ, हम लोगों के लिए हमारी फैमिली ही सब कुछ है और फैमिली की इज्जत ही हमारे लिए सब कुछ है, और फैमिली की इज्जत रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। किसी तरह से ऐसा भी कुछ चीज नहीं करना है जिससे हमारी फैमिली की इज्जत पर जो है किसी तरह का सवाल उठे और किसी तरह की उन्हें जो है परेशानी ही हो। या हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है उस बात को कितना बड़ा कर देते। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 7 और इस समय जो है जिया कुछ कपड़ा सब बचा हुआ था उन सभी कपड़ों सब को जो है धो रही है, और फिलहाल जो है क्रियांश है अपने दादा दादी के पास, तो दादा दादी के पास खेल रहा है और हमें थोड़ा समय मिला है कि कुछ अपना काम सब जो है निपटा लिया जाए, क्योंकि जब क्रियांश रहता है तो दोनों लोग जो है क्रियांश में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, और किसी भी तरह का कोई काम सोच ले कि हाँ क्रियांश को छोड़ दे, वो अपना खेलता रहेगा और अपना कुछ काम कर ले, तो ऐसा हो नहीं सकता है जी, क्योंकि किस पल क्रियांश कौन सी हरकतें कर लेगा कोई ठीक नहीं है। खास करके उसको जो चढ़ने का जो आदत हो गया है, जैसा कि कई वीडियो में देखा होगा आप में से जो भी लोग पुराने सब्सक्राइबर है, जो भी नए सब्सक्राइबर है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं जी, क्रियांश हमारा ऐसा बेटा है कि आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ हरकतें आपको दिखाता ही रहेगा। तो बात ऐसी ही हो जाती है कि उसका जो चढ़ने का जो आदत है, तो कहीं काम कर रहे हैं थोड़ा नजर हटा और कहीं चढ़ जाए और कहीं पैर स्लिप कर जाए, तो यह संभावना बनी रहती है, तो इसलिए जो कभी भी छोड़ते नहीं अकेला, बिल्कुल कुछ भी सपोर्ट मिलना चाहिए चढ़ने के लिए, चाहे कुर्सी मिल जाए, चाहे कुछ एक डब्बा ही क्यों ना मिल जाए, डब्बा के ऊपर अगर आप चेयर हटा दें, डब्बा ले आएगा उसके ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ जाए, बिल्कुल, तो उसको चढ़ने में बेचारे को बहुत मजा आता है। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, शाम में डेली का मेरा रहता है कि कपड़ा मैं धो लेती हूँ, जब क्रियांश नीचे जाता है ना तो मेरा बचा हुआ जो भी काम रहता है ऊपर का वो मैं करती हूँ। तो चलती हूँ कपड़ा धोने के लिए, और ये ले सकते हैं इसमें है मेरा पूरा सर्फ भर के रखा है हमने, एक ही बार मैंने इस बार मंगवा लिया है, 5 kg मंगवाया है, 5 kg में 2 kg जो है फ्री दिया है। और मैंने क्या किया ना कि एक ही बार इतना सारा मंगा लिया, 3 kg मंगाया, 3 kg पे शायद 2 kg फ्री था, या 5 kg पे 2 kg फ्री था, 2 kg फ्री था, ऐसा कुछ था, तो इन्होंने मंगवा दिया, सही है। और अब मुझे लगता है ये तो चल जाना चाहिए 2-3 महीने, देखते हैं कब तक चलता है। 1 hour later तो यहाँ पे गर्म गर्म पकौड़ी बन रहा, एकदम बारिश हो रहा था, मैं सोची पकौड़ी बना ही लिया जाए, ये कब से बोल रहे थे पकौड़ी खा, हमको भी बोल रहे थे जब पकौड़ी बना के ले आओ, हम अपना बेटा के लिए बनाए हैं, फोन किए उसको बोला थोड़ा था फोन किए सुनिए ना, माँ डैडी को बोला था सबको पसंद है, ये भी आ आ कर रहा है, खाएगा बाबा, हम खाएंगे तो अभी खाएगा, खाएगा क्रियांश पकौड़ी खा रहा है, आकर के दिखा दो क्रियांश पकौड़ी खा रहा है दादी के साथ, माँ आ क्रियांश क्या खा रहा है, और खाना है दिखा दिया क्या खा रहा है जी, क्या खा रहा है यहाँ पे क्रियांश सबसे पहले खा लिया है, लेकिन हम लोगों को खाने नहीं दे रहा, क्रियांश सबसे पहले खा चुका है, हम लोगों को नहीं खाने दे रहा, नो 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 नहीं, ये कैमरे के सामने बदमाशी नहीं कर सकता है, समझदार है, पीठ पीछे बदमाशी करता है कैमरे के पीछे, नो 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 भाई,
है अभी हमको झोटा दिवाली हुआ के मारा है, बहुत मारा है। क्या किसको देख लिया, किसको देखा? ये देखो क्रियांश देख रहा है क्या क्या लेके आए पापा। जी आ जल्दी तो फिलहाल जी आ गए हैं नीचे और यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूछिए मत। और यहाँ पर बन रहे थी कचरी, तो शाम का नाश्ता जो है हम लोग और इस ठंड भरे मौसम में जो है गरम गरम हम लोग को मिल जाएगा कचरी और आप लोग खा सकते हैं पकौड़ी भी। तो हम इंतजार कर रहे हैं जी पकौड़ी के खाने का। मेरी माँ बोलती थी शब्द है अच्छा, तो हम लोग कचरी बोलते हैं बिल्कुल, पढ़े लिखे किताब में कॉपी में जो है वहाँ पकौड़ी बोला जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्रियांश जो है, क्रियांश बहुत मारा है। बहुत मारा है? क्यों मारा है तो मम्मी को? क्यों मारता है? दोनों हाथ से मेरा बाल घिस घिस के मारा है। क्या शौक हुआ है तुमको? कंप्लेन की बात है, मारता हूँ समझ ही नहीं रहा क्या मार रहे अपनी माँ। वो सोचता है खेल रहा है। छोड़ दो क्रियांश, छोड़ दो। अरे बाप रे बाप, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा। अरे अरे छोड़ दो मम्मी को, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को। पोता का पक्ष ले रही थी। हाँ सामने में ही करके दिखा। लाइक नहीं है। ओए क्रियांश मम्मी को मार रहे। ओए 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 क्रियांश बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं रे, बदमाशी नहीं रे। ये कौन सा खेल सिखाए तुम इसको? अब डांट लगाना पड़ेगा, उसे नहीं सुधरेगा ये। अब डांट, अरे हटो हटो हटो, थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। क्या कर रहे थे मम्मा को दर्द? ये क्या कर रहे तुमने? सर में दर्द हो रहा है मम्मा को। बस बस बस, नो 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 क्रियांश नो। अभी ना क्या कर रहा था, गोदी नहीं ले रहे थे तो पैर छू रहा कि पैर छूड़े तुम गोदी लोगे तब तुम्हारा। A few moments later. ओ भाई साहब, तो यहाँ लग गया जी हमारा गरम गरम कचरी। मजा आ गया जी, मैं बहुत अच्छा लगता है यार। कचरी निकला छो तोरा बेसी, ई बात तू तू समझे छी, लेकिन हमरा लागे चटक मटक चीज छे सब के नीके लागे। सही बात है। ओना अपन ओना तेल मसाला हमरा सब के उम्र के अनुसार तब कम खेबाक छे। तू सब धिया पुता छी अपन, खो अखन नहीं खेबे तो कहिया खेबे? ये देखिए मेरा क्रियांश जे मेरा दुपट्टा फाड़ दिया सबको झूठा घिस के मारता। वो समझता बहुत बदमाश होते जा रहा है, उम्र जैसे जैसे बढ़ रहा है बहुत बदमाश हो रहा है। समझता है कि हम खेल रहे हैं लेकिन खेलने में सबको मार रहा है। द नेक्स्ट डे सुबह के बाद जी 7:30 और जिया अपना उठ गई है और उठ करके जो अपना पूजा पाठ का जो भी बर्तन है उन सबको साफ करने में लग गई है। और फिलहाल हमारा क्रियांश सोया हुआ है, तो क्रियांश जो है कभी कभी सवेरे भी उठ जाता है लेकिन आज जो है थोड़ा लेट से उठेगा, तो लेट से दोपहर में आज सोएगा भी वो। दोपहर में लेट से सोता है तो काम नहीं हो पाता है। 20 मिनट्स लेटर तो क्रियांश महाराज जो है अब सो करके उठ चुके हैं और अब ये जाने वाला है दादा दादी के पास। जय कर लो सबको। खांसी है इसको, चलो इसको नीचे लेकर के जाओ। चेंज हो रहा है ना। बाय कर दो पापा को, बाय कर दो, बाय जा रहा हूं दादा के पास। जाओ दादा दादी के से मिल लो एक बार। जाओ उसके लिए तो पूरा एक्साइटमेंट ना, एक बार नीचे जाते हैं फिर देखना ना हो जाएगा इसका एक्टिविटी शुरू। तो रूम जी यहाँ पर हो गया है ठीक, यहाँ पर झाड़ू सब मार दिया गया है और अब लग रहा है कि कितना अच्छा खासा जगह है और साफ सुथरा जगह है। मैंने पूरा रूम को अच्छे से ठीक कर दिया है लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है आप दोनों बाप बेटे आओगे और फिर का रूम का कचरा बना करके हम नहीं बनाएंगे, तुम्हारा बेटा बना देगा, हम नहीं बनाएंगे। मेरा बस खाली एक ही टेबल पर जो भी सामान रहता है ठीक है। यहाँ काम करते हो आप लेकिन इसको नहीं होता कि थोड़ा सा ठीक कर, ठीक है कर लिया जाएगा कोई बात नहीं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू पत्नी। वहाँ के जी जिया आ गई है ऊपर से, जिया को कुछ कोलैबोरेशन सबका शूट करना था वह सब तो करके नीचे आ गई और क्रियांश फिलहाल सोया हुआ है तो आप लोगों से बातचीत हो पा रही है। और आप लोगों का जी रिस्पांस देख रहे थे हम लोगों के वीडियो पर जो कमेंट सब आते रहता है तो सोचा कि एक बार जरा बता दिया जाए और थोड़ा सा एक्नॉलेज पब्लिकली बोल करके जो है आप लोगों को किया जाए कि हम लोग कमेंट पढ़ते हैं। बिल्कुल जी, हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कमेंट लगता है। और आप लोग का जो इस तरह का
पॉजिटिव कमेंट आता है तो इसी से हम लोग जो है मोटिवेट होते हैं और हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है वीडियो को जो है कंटिन्यू करने का, ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने का। नहीं तो हम लोग का तो उतना आजकल वीडियो नहीं चलता, बस उनका वीडियो चलता है जो थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाते हैं उन्हीं का वीडियो चलता है। बाकी अगर आप कुछ अच्छा वीडियो दिखाते हो तो नहीं चलेगा आपका वीडियो तो। लेकिन आप लोग का इतना प्यारा कमेंट रहता है हम लोगों के लिए, बस यही चीज बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग का देख रहे थे कमेंट आ रहा था कि भैया आप लोग जो है अपनी फैमिली को लेकर के चलते हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और आप लोगों की जो फैमिली का बॉन्डिंग है यही देखने के लिए हम लोग जो है इस चैनल को देखते हैं। काफी अच्छा लगा जी, जो भी इस तरह के पॉजिटिव लोग हैं और इस तरह से जो है हमारी वीडियो को देखते हैं और अपना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। जी हाँ, हम लोगों के लिए हमारी फैमिली ही सब कुछ है और फैमिली की इज्जत ही हमारे लिए सब कुछ है और फैमिली की इज्जत रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है और किसी तरह से ऐसा भी कुछ चीज नहीं करना है जिससे हमारी फैमिली की इज्जत पर जो है किसी तरह का सवाल उठे और किसी तरह की उन्हें जो है परेशानी ही हो। हर फैमिली में जो है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो चलता रहता ही है। सही बात है जी, एक साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है उस बात को कितना बड़ा कर देते हैं और क्या करते हैं। और स्पेशली जी जो भी चीज होगा, मनमुटाव होगा, कुछ भी होगा फैमिली का, तो यह सब चीज घर पे ही रहता है तो काफी अच्छा लगता है। हमारा बनता है कि हम क्या दिखाते हैं। बिल्कुल जी, और जैसे ही वह सब चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आता है तो बहुत सारे लोग तो कुछ अच्छा सुझाव देते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है मजे लेने के लिए होते हैं इन सब चीजों पर। सही रहता है कि जी सही ही रहेगा, और हो सकता है जी किसी की कुछ मजबूरी इतनी ज्यादा मजबूर हो जाती हो कि उनको वीडियो बनाना पड़ जाता हो। हाँ। तो वो एक अलग बात है ये सब चीज, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि अपनी फैमिली को लेकर के जो है कुछ भी इस तरह का चीज नहीं हम लोग पब्लिक के सामने लाए। और आप लोग स्पेशली यह रीजन है कि हम लोग का यह जो विचार है, आप लोग इस चीज को सपोर्ट करते हो कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ रहो और फैमिली की इज्जत का ख्याल रखो। तो जी हाँ, आप लोग ऐसे ही हम लोगों का जो है उत्साह वर्धन करते रहिए, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए और ऐसे ही हम लोग प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहेंगे अपने बेटी के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने परिवार के साथ। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।